हमीरपुर डिग्री कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई छात्र संगठनों में आपसी रंजिश के चलते दर्जनों छात्र आपस में भिड़ गए। दोपहर बाद हुई इस मारपीट में दराट, खुखरी, लोहे की रॉड, डंडे का प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ एक छात्रों को चोटें भी लगी हैं। हालांकि कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मी के मौके पर पहुंचने पर युवक फरार हो गए, लेकिन कॉलेज परिसर से एक बैग में दराट, लाठियां और कुछ पैसे बरामद हुए हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तो मौके पर एक छात्र के पास से बरामद खुखरी रॉड मिलने पर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में दोपहर बाद हुई मारपीट से कॉलेज में माहौल तनावपूर्ण देखा गया और इस दौरान छात्र भी सहमे हुए थे। मारपीट के दौरान युवक भागने में कामयाब हो गए, लेकिन पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने बैग से बरामद किए गए दराट, खुखरी, लाठियों को कब्जे में ले लिया है। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज के अंदर छात्र संगठनों में छुटपुट कहासुनी चली हुई थी, जिसके चलते आज छात्र गुट गुत्थम गुत्था हुए थे, लेकिन समय रहते ही पुलिस ने कार्रवाई की, जिस पर बैग में से हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज से ही कॉलेज परिसर में छात्रों को बैग लाने पर मनाही कर दी गई है और केवल किताबें हाथों में लेके आए। कॉलेज में इस तरह बैग में हथियार मिलने और छाते में छिपा कर दराट, खुखरियां, लोहे की रॉड, डंडे के बरामद होने पर छात्र सहमे हुए हैं। वहीं इस तरह की शिक्षा के मंदिर में गुंडागर्दी का सामान बरामद होने पर शहर में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। 2-3 दिनों से इनका क्लैश चला हुआ है। हालांकि परसों उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की और उसमें माना कि जो ऑफसाइटर्स हैं उनको बच्चा होने के लिए, लेकिन 21 तारीख को हमारे एडमिशन की लास्ट डेट थी, तो उसने हमें इसलिए नहीं चेक कर पाते थे कि पेरेंट्स आते हैं तो भाई बहन आते हैं। तो इन तीनों संगठनों ने कहा कि हम 21 तारीख के बाद ना हमारे किसी भी ऑपरेशन के ऑफसाइटर नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो हम उसकी टीम बना लेते हैं। ऐसे बड़े हमले से जो नए बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। तो आज हमने फैसला लिया है कि जो हमें सूचना उनके के बैग्स में हथियार अंदर आ रहे हैं और आउटसाइडर में दूर कर रहे हैं, तो आज से हमने कंप्लीट बैन कर दिया है। बैग्स नहीं लाएंगे बच्चे और वो तो किताबें हाथ भी लेते रहेंगे, बैग भी लेते रहेंगे, ताकि सिक्योरिटी को देखते हुए हम एक चीज़ें अवॉइड कर सकें हथियार अंदर। जैसे आपके सामने एक हथियार यहाँ अंदर बरामद हुए हैं, कुछ हमारे स्टाफ मेम्बर से पकड़े हुए हैं। इस तरह की जो माहौल है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस की मदद लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्टेशन है उनकी मदद लेंगे और तो पूरा सहयोग भी है, पूरा स्टाफ है, पूरा विजिलेंट है। एंटी ड्रैगन स्क्वायर्स के लिए आज इन्होंने कह दिया कि सब अपने अपने जो एरियाज अलॉट किए हैं उन वहाँ अपनी हाजिरी दर्ज करें और कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिससे पढ़ाई का माहौल खराब हो।